जो गरीब हैं, जो गरीब मुसलमान है या गरीब हिंदुस्तानी है, एनआरसी के अंदर जब आप कोई रिकॉर्ड दे नहीं पाओगे किसी किस्म का, तो आप उनको बोलेंगे गैर शहरी है, ये घुसपैठिए। आज हमारे साथ मालेगांव शहर के एक मशहूर एडवोकेट नियाज लोधी साहब मौजूद हैं, जिनके साथ हम एनआरसी और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले तो मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ, वेलकम करता हूँ सच का सामना न्यूज़ में। जी सर, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन, सवाल आपसे ये है, पूरे देश में सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल और एनआरसी को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। देश की कई बड़ी यूनिवर्सिटी में भी इसका विरोध प्रदर्शन जारी है और आम नागरिक सड़कों पर है, न्यायपालिका का एक अहम हिस्सा वकालत भी सड़कों पर है। देखिए, ये जो एनआरसी और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो बनाया गया है, ये दोनों को जब सामने रखा जाएगा तो इससे बिल्कुल क्लियर होता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 का एकदम डायरेक्ट इसका वायलेशन हो रहा है। और जब ये हो रहा है तो चूँकि हम लोग भी इसके एजेंसी में हैं कि अमेंडमेंट एक्ट आने के बाद ये अमेंडमेंट एक्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की चोलों को हिला रहा है, तो हमारा फर्ज बनता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके ऊपर कोई भी झटका नहीं आना चाहिए। और इसके लिए हम लोगों ने भी कल विरोध प्रदर्शन किया, हम लोगों ने कलेक्टर साहब से भी मुलाकात की, हमारा अपना हम लोगों ने मेमोरेंडम भी दिया है कि पहली फुर्सत में कम्युनल एक्ट जो बनाया गया है मज़हब की बुनियाद के ऊपर, इसको ख़त्म किया जाए। और हमने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को भी हमारा मेमोरेंडम दिया है कि जो आपके पास रेट पिटीशन है उसको फौरी तौर पर कैंसिल किया जाए, चूँकि ये हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। ये जो नागरिकता कानून है जो पूरे देश में कानून बन चुका है, क्या आपको लगता है एक एडवोकेट, एक वकील होने के नाते, क्या देश का मुसलमान इससे डरा हुआ है? देखिए, प्रोपेगेंडा तो यही किया जा रहा है कि ये एक्ट सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ किया गया है, और ये प्रोपेगेंडा करके यहाँ के रहने वाले हमारे जो हमारी भाईचारगी है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बौद्ध जितने भी हमारे भाई लोग हैं हिंदुस्तानी भाई, उनके दिलों में ये बात डाली जा रही है कि हम तुम्हारे खिलाफ़ कुछ नहीं कर रहे हैं, हम तो मुसलमानों के खिलाफ कर रहे हैं। और हिंदुस्तान का जो कल्चर है, हिंदुस्तान के कल्चर को मसमार करने के लिए, उसके अंदर जहर घोलने के लिए ये एक्ट को बनाया गया है। इसके लिए आप ये देखिए कि कल के हमारे प्रदर्शन में हिंदुस्तान के हमारे मालेगांव के हिंदू वकील भी, क्रिश्चियन भी वकील हमारे साथ रहे, हमारे मराठा हमारे हिंदू भाई एडवोकेट्स वो लोग भी रहे, हमारे बार एसोसिएशन के सदर हमारे साथ रहे, हमारे सेक्रेटरी जो है उन्होंने भी हमारा साथ दिया, और तमाम बौद्ध समाज के जो हैं और दलित समाज के जो हैं वो लोग भी हमारे साथ आए। तो इससे ये दिखता है कि हिंदुस्तान की तमाम आवाम इस सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ है और उसको पसंद नहीं कर रही है, क्योंकि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बर्बाद कर देगी। सर, देश का कोई ऐसा हिस्सा नहीं बचा है जहां पर इस कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। जी। अब इस विरोध प्रदर्शन ने हिंसा का रूप भी लिया है। जी। क्या आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट इस कानून को रद्द कर पाएगी? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट जो है कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन के कस्टोडियन होने के बाद सुप्रीम कोर्ट का पूरा पावर है। सुप्रीम कोर्ट चाहेगी तो बिल्कुल लीगल पोजीशन में देखते हुए आर्टिकल 14 का डायरेक्ट इसका वायलेशन है, इसके ऊपर उसको रद्द कर सकती है, उसको पूरा अख्तियार है सुप्रीम कोर्ट। सरकार भी अब सफाई देने को लिए मतलब सामने आ रही है। आज एक रैली के दरमियान नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जो भारत में रहने वाले लोग हैं वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, उन्हें इस कानून से डरने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें कुछ फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, ये जो कानून है ये बाहर से जो लोग आए हैं उनके लिए है। तो ये बड़ी खूबसूरती से अपने एजेंडे को ये लोग पूरा कर रहे हैं। अमित शाह से जब एक टीवी इंटरव्यू में पूछा गया कि आपने इतनी जल्दबाजी क्यों की, 6 महीने में आपने इतनी जल्दी सब एक्ट को बदल डाला, ये किया 370 का किया, ये किया, तो अमित शाह ने बिल्कुल बर्दस्ता ये कहा, हमको 6 महीना नहीं लगा है, हमको 70 साल लगे।
मतलब ये आज़ादी से पहले का जो इनका एजेंडा है, इनका जो छुपा हुआ एजेंडा है, इनके दिल पे बात आ, इनके दिल की बात जबान पे आई और इन्होंने इस बात का इकरार किया कि हमको 17 साल लगे ये बनाने के लिए। इसका मतलब क्या है? उनका मकसद सिर्फ ये है कि मुसलमानों को टारगेट किया जाए, जैसा कि नरेंद्र मोदी साहब बोल रहे हैं या अमित शाह साहब बोल रहे हैं। ये लोग तो सिर्फ डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपना रहे हैं। इनका मकसद ही सिर्फ यही है कि डिवाइड करो और रूल करो। 1950 से लेके 1970-71 तक का रिकॉर्ड मांगते हैं। जो गरीब हैं, जो गरीब मुसलमान है या गरीब हिंदुस्तानी है, एनआरसी के अंदर जब आप कोई रिकॉर्ड दे नहीं पाओगे किसी किस्म का, तो आप उनको बोलेंगे गैर शहरी है, ये घुसपैठिए है और इनको यहाँ से निकालो। तो इसमें यहाँ के रहने वाले जो नागरिक हैं, हिंदुस्तान के रहने वाले, वो इस पर असर उनको आने वाला है। इसलिए उन्हें प्रदर्शन हो रहा है, ये गलत है, ये झूठा बोल रहे हैं। तो भैया एनआरसी का जो उन्होंने डेडलाइन बताई है वो कम करें। मोदी साहब और शाह साहब ऐलान करें ना, 1950 से लेकर 71 तक का क्यों रिकॉर्ड मांग रहे? कहाँ से 50 साल का लोग रिकॉर्ड जाए, 70 साल का रिकॉर्ड कहाँ से ला के दे? यहाँ तो गरीब आदमी जो है रोटी रोजी के लिए मरता है, वो कहाँ से ये डॉक्यूमेंट तुमको ला के देगा? और ये एनआरसी का ऐलान होने के बाद आज गरीब आदमी जो है उसको अपने बर्थ सर्टिफिकेट को वास्ते जाना पड़ता है, अपने कोर्ट में चक्कर मारना पड़ता है और गवर्नमेंट ऑफिसेज में उसको चक्कर मारना पड़ रहा है। सर, जिस दिन से ये एक्ट कानून लागू हुआ है, मतलब जिस दिन संसद में पेश किया गया और बाद में ये कानून बन गया, उस दिन से लेकर आज तक पब्लिक प्रॉपर्टी का कई सारा नुकसान हुआ है। जी जी। उसके साथ साथ कई लोग इस हादसे में मारे भी गए। जब से मतलब यह शांतता नहीं रही है, मतलब पूरी तरह से मतलब माहौल खराब कर चुका है ये बिल। तो जब अभी तो फिलहाल सिर्फ सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल की बात हो रही है, जब देश में एनआरसी लागू करने की बात होगी तो देश का तो इससे बुरा हाल होगा। अरे बहुत, अभी आपको, आप भूले नहीं होंगे 2017 में नोटबंदी का किया गया। नोटबंदी के करने के बाद लोगों को देखे कि हम खुद ही हमारा पैसा, हमारा सब कुछ बैंकों के बाहर हम लाइन लगा के खड़े हैं। कितने ऐसे लोग थे जो लाइन में खड़े रहे, मर गए, भूखे प्यासे रहे, राशन की लाइन के जैसे खड़े रहे। ये जब एनआरसी के जब शुरू करेंगे हिंदुस्तान में, तो ये क्या हालात होंगे और कैसे होंगे बोल नहीं सकता। ये तो खाना जंगी पैदा कराने की इनकी साजिश है पूरी। चलो सर, बहुत बहुत शुक्रिया।